एनडीपीएल में चल रही मनमानी। पूजा श्रीवास्तव ने बताया कि उनके घर पर चार एनडीपीएल के कर्मचारी आए और बिना किसी सूचना के भरी गर्मी में दोपहर 2:30 बजे घर की बिजली काट दी। जब घर पर उपस्थित नाबालिग बालिका ने उनसे जानना चाहा कि उन्होंने बिजली क्यों काटी, तो उन्होंने उसके साथ भी बदतमीजी की। बालिका ने तुरंत अपनी माता पूजा श्रीवास्तव को सूचित किया। वे तुरंत मौके पर पहुंची। बिजली कर्मचारियों ने उनसे कहा कि आपका 2022 से बिल पेंडिंग है, लेकिन पूजा श्रीवास्तव ने तुरंत एनडीपीएल के कर्मचारियों को दिखाया। जब रिकॉर्ड देखा गया तो पाया गया कि किसी प्रकार का कोई बिल पेंडिंग नहीं है। क्या कारण है, क्यों बिजली काटी गई? पूजा श्रीवास्तव ने बिजली कर्मचारियों से कई बार पूछा, लेकिन उन्होंने कोई कारण नहीं बताया। केवल कहते रहे कि हमारे अधिकारियों का आदेश है। वाद विवाद बढ़ने पर आस पड़ोस के काफी लोग जमा हो गए, जिन्होंने कि एनडीपीएल के कर्मचारियों को कहा कि आप बेवजह किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। मौके पर उपस्थित तेजपाल एडवोकेट ने बिजली कर्मचारियों को बताया कि उनकी यह कार्यवाही गैर कानूनी है। घबराहट में आनन फानन में बिजली दोबारा से चालू कर दी गई, लेकिन इलाके के लोगों में भारी रोष था, जिसकी वजह से वह सच्चाई जानने के लिए एनटीपी के ऑफिस रोहिणी सेक्टर 20 में वेद प्रकाश गुप्ता जोनल मैनेजर से जाकर मिले। वेद प्रकाश का प्रदान था कि उनको शिकायत मिली है कि पोल के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसके आधार पर उन्होंने अपने कर्मचारियों को भेजकर बिजली का कनेक्शन कटाया है। जब वेदपाल से सबूत मांगा गया, कहा गया कि अगर बिजली के पोल के साथ छेड़छाड़ हुई है तो उसका कोई सबूत शिकायतकर्ता ने शिकायत के साथ लगाया होगा, तो आप दिखाइए। तो वेद प्रकाश जी बगले झांकने लगे। उनके पास किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं था। बाद में पुलिस के आने के पश्चात स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर स्थिति को संभाला जा सका। आइए देखते हैं मौके पर मौजूद लोगों ने, बिजली कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा। अभी हम उपस्थित हैं सेक्टर 20 एनडीपीएल के ऑफिस में। कल एनडीपीएल ऑफिस के बीच में यहाँ के जो अधिकारी हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाए, वेद प्रकाश गुप्ता जी, इनका कहना है कि 2:30 बजे इन्हें एक कंप्लेंट रिसीव होती है। 2:30 बजे इनके पास कंप्लेंट आती है और 3 बजे चार लोग जो है यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी के ऊपर जाकर एक कनेक्शन है बिजली का, उसको काट देते हैं। जो पीड़ित है उन्होंने हमें बताया कि जो वो लोग थे उन्होंने वहाँ पर आकर बदतमीजी की, धक्का मुक्की की, और इनका कहना है कि वो लग रहे थे कि जैसे कि वो बिजली बोर्ड के भी व्यक्ति नहीं है, वो एनडीपीएल के व्यक्ति नहीं है, एनडीपीएल में काम करने वाले नहीं है। तो जब आज हम सवेरे वहाँ पर मौके वारदात पर गए, वहाँ हमने पता किया तो हमें बताया गया वहाँ पर कि 15 मिनट के बीच में बिजली वाले आते हैं, बिना किसी को बताए, बिना किसी इंटीमेशन के, बिना कोई नोटिस दिए बाहर से आके कनेक्शन काट देते हैं। और कनेक्शन काटने के बाद जब पीड़िता को 1 घंटे 1.5 घंटे बाद, पहले तो सोचती है कि शायद बिजली चली गई, उसके बाद उन्हें जब पता लगा कि ये कनेक्शन जो है कोई काट के गया है, तो जब उन्होंने उसकी खोजबीन की तो पता चला कि एनडीपीएल से जो व्यक्ति थे वहाँ पर आए, कहना था उनका कि हम एनडीपीएल से आए, और उन्होंने कनेक्शन काट दिया। जब काफ़ी भागदौड़ करने के बाद पुलिस के बीच में शिकायत की गई तो वो कनेक्शन जो है जोड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर 5 व्यक्ति शाम को पहुँचते हैं और वो जाकर कहते हैं कि हम बिजली बोर्ड से आए। जब उनकी वीडियो बनाने की कोशिश की वहाँ पर तो वहाँ से वो भाग गए। और पीड़िता का कहना है कि वो जो व्यक्ति थे 5 थे, लेकिन जब अभी आकर हमने यहाँ पर एनडीपीएल के ऑफिस के बीच में तहकीकात की तो उनका कहना है कि हमारे यहाँ से कभी 5 व्यक्ति या 6 व्यक्ति नहीं जाते हैं, हमारे यहाँ से केवल 3 व्यक्ति जाते हैं, एक लाइनमैन होता है, एक हेल्पर होता है, एक ड्राइवर होता है। तो हम बात करते हैं जिनके पूजा श्रीवास्तव से, जो कि पीड़िता है, जिनके यहाँ पर बिजली काटी गई थी, क्यों बिजली काटी गई, क्या कारण था, हम इनसे जानते हैं। नमस्कार, आपके यहाँ पर कल एनडीपीएल के अधिकारी आए और उन्होंने आपके यहाँ पर कनेक्शन काट दिया। हाँ जी सर, मुझे बताया नहीं इन्होंने और ये लाइट काट के चले गए और करीब ये 3 बजे काटे हैं। एक औरत जो सामने रहती है मेरे, उसने 2:30 बजे कंप्लेंट करी है और 3 बजे इन्होंने मेरी लाइट काट दी। आज तक सर कभी ऐसा कोई काम नहीं किया इन लोगों ने कि इतने फास्ट काम करते हो। मुझे नहीं पता सर इनका कनेक्शन उस लेडीज से क्या है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इन्होंने आधे घंटे के अंदर मेरी लाइट काटी है बिना इन्फॉर्मेशन से। मुझे कोई फोन कारण क्या बताया, किस लिए काटी? कारण मुझे ये बताया गया कि 2022 से मैंने कोई बिल नहीं जमा कराया। इन्होंने मुझे बताया कि 2022 से मैंने कोई बिल नहीं जमा किया है, इसलिए आपकी लाइट काटी गई है। इसलिए लाइट और मेरी बेटी उस टाइम अकेले थी जब इन्होंने लाइट काटी है। लेकिन बिल तो वो है ही। अगर आप समझ सकते हो कि 2022 में अगर मैं बिल नहीं जमा करती हूँ तो मेरे साथ पहले ही लाइट काट दी जाएगी सर। 2022 तक कौन मुझे मेरे साथ खड़ा होगा? बिल चेक किया गया और बिल चेक किया गया कोई पेंडिंग नहीं था सर, ये रहा सबको दिखाया गया। आपका कहना क्या है, जो वहाँ पर बिजली काटने के लिए आए थे वो एनडीपीएल के कर्मचारी थे? नहीं सर, वो फ्रॉड इंसान थे। मुझे तो पूरा लग रहा है फ्रॉड। मैंने एमडीपीएल ऑफिस आई हुई हूँ और मैं इनसे मांग करी हूँ, वो 2 आदमी मुझे चाहिए जो मेरे घर आए थे।
मुझे वो दो आदमी चाहिए, अभी तक इन्होंने दो आदमी मुझे नहीं दिए हैं, मुझे दो आदमी चाहिए क्योंकि वो फ्रॉड थे और इनलीगल मेरे घर में घुसे थे और बकायदा मेरी बिल से उन्होंने फोन से फोटो खींची है। पूजा श्रीवास्तव, इनका कहना है कि 2:30 बजे आपके पास यहाँ कंप्लेंट आती है जैसे कि आपके यहाँ रिकॉर्ड में है और 3:30 या 4 बजे करीब वहाँ पे जाके आपका स्टाफ जाता है और बिजली का कनेक्शन काट देता है। तो सर ये जो लोग गए थे वहाँ पे, जैसे कि इनका कहना है कि इलीगल व्यक्ति थे जो NDPL के व्यक्ति नहीं थे, तो सर क्या ये जो लोग गए थे आप कहाँ से गए थे? हाँ जी, ये कोई इलीगल नहीं थे, हमारे यहाँ से ही गए थे और जो एज पर प्रोसेस है वो काफ़ी एज पर प्रोसेस किया। तो सर ये जो कहना है आपका कि जब एक बार तो ये 3:30 साढ़े 3 बजे करीब जो, फिर ये कह रहे हैं कि शाम को भी जो व्यक्ति आए थे वो शाम को जोड़ने के लिए गए थे पर वहाँ ऑलरेडी जो सप्लाई कनेक्टेड मिली थी। तो सर जब जो पहले अगर आपने एज पर जैसे कंप्लेंट के ऊपर कनेक्शन काटा था तो फिर जुर्माना की क्या? क्योंकि उनका एप्लीकेंट का फोन आया था और इसलिए कि रात में जो है सप्लाई काटना ठीक नहीं, गर्मी का टाइम था तो इसलिए जुड़वा दी थी। अच्छा, हमने कहा कि सुबह एक्शन जो भी लेना है वो अकॉर्डिंगली ले लें। ठीक है सर, तो अब मतलब कि अब जो ये जो आपने कनेक्शन जड़वा दिया है इसके बाद आप कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई करेंगे? इस पर देखते हैं, आगे सीनियर से बात करेंगे। बिजली बोर्ड की एक बहुत तुरंत कार्रवाई, 2:30 बजे एप्लीकेशन, 3:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में लाइट कट जाती है, तो ऐसा है ना सर? मतलब कि ऐसा अगर जो सिस्टम हो जाए तो शायद हमारा देश बिल्कुल ही जैसे हम कहते हैं कि विश्वगुरु बनने की कगार पर बिल्कुल विश्वगुरु बन ही जाएगा, है ना सर? तो आप जैसे कि आप कितने पीड़ित है, जो पूजा श्रीवास्तव ने बताया कि उनके घर पर गए 4-5 लोग थे जिन्होंने कोई अपने आइडेंटिटी नहीं बताई, कुछ नहीं बताया कि NDPL से आए, कहाँ से आए, चुपचाप से चोरों की तरह बिजली काट के चले गए। बिल्कुल सही बात है सर, इस चीज़ में क्या कहेंगे? देखो इसमें तो ये देखना पड़ता है, डिजिटल भारत है, डिजिटल चल रहा है सब कुछ। अगर 2:30-2 बजे कंप्लेंट आती है वो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में और 2:30 बजे जाके लाइट काट दी जाती है बिना बताए, मतलब 4 बंदे जाते हैं खंभे पे चढ़ते हैं लाइट काट के चले जाते हैं, उसके बाद जब पूछा जाता है तो वो इनका क्या नाम है, वेद प्रकाश जी उनको मतलब एक लेडीज को 7 बजे फोन पे बात करा के ये कह रहे हैं कि आप सर से जाके मिलके रात को 7 बजे आप ऑफिस चले जाइए। 7 बजे कौन सा ऑफिस खुलता है इनका, ये बात सोचने वाली बात है कि 7 बजे कौन लेडीज, अकेली लेडीज जो घर में है वो इनके ऑफिस में आके बात करेगी? जैसे कि ये इनका जो मैंने जो पूरा मैटर देखा है, जो हमने सुना है, इनका कहना है कि ये जो कनेक्शन काटा गया ये जो पोल शिफ्टिंग की वजह से काटा गया, तो ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पोल शिफ्टिंग, हाँ पोल शिफ्टिंग, ये बात सही गई आपने, अगर MLA के ऑफिस के बाहर पोल है तो वो शिफ्ट तो तभी हो जाएगा, लेकिन आम आदमी की पोल शिफ्टिंग में इनको दिक्कत होती है कि जो चाहे 10 साल लग जाए चाहे 12 साल लग जाए, इनसे पहले 10 साल पहले शिव कुमार जी थे, आज भी अगर एक भी पोल शिफ्ट हुआ हो तो बता दीजिए, ये तो कहेंगे हमें रिटर्न में कोई देता ही नहीं। अरे रिटर्न में तो तब देगा जब तुम उसके ऊपर कार्रवाई करोगे, आज तक कोई कार्रवाई करी है क्या? और कोई हादसा हो जाए फिर किसी के घर, हादसा अभी मैं हादसा बताता हूँ, जैन नगर मेन रोड के ऊपर एक लड़का ST लाइन है, ST लाइन के ऊपर जिम बना हुआ था, ठीक है, उस ST लाइन से एक्सपायर हो गया, इन्होंने पल्ला झाड़ दिया ये कह के कि सर ST लाइन हमारे अंडर नहीं आती, उन्होंने यहाँ पे भी प्रदर्शन किया, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी किया, बाद में पैसे दे के उसको सेटल किया। नहीं सर, जैसे कि आप एक समाज सेवी भी हैं और वहाँ पे रहते हैं, तो सर जैसे कि ये जो तारें जा रही है इतनी बड़ी बड़ी हाई टेंशन लाइन ऊपर से जा रही हैं, घरों के बिल्कुल साथ से गुजर रही हैं, जैसे कि आपने एक हादसा बताया जब पीछे पानी आया था रजीत नगर में, इतना तरह पानी भरा हुआ था, अब तो आपकी सड़कें शायद जो मैंने देखा कि आप लिफ्ट कर दी गई है, पता नहीं कितने आदमी मरे हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। तो सर ये लाइनें अंडरग्राउंड नहीं डालनी चाहिए? अंडरग्राउंड का तो इनका प्लान बहुत पहले से है, लेकिन आज तक डली हो तो बताओ, और कुछ केस तो अभी भी ऐसे हैं जिसमें लाइन तो डल गई है, पुरानी लाइन आज भी नहीं हटी है उनकी, ST लाइन आज भी वहीं पे है। अभी मैं दिखाता हूँ, देखो आपको अभी मैं आपको एक वीडियो और वो सारी चीज शेयर करता हूँ, मैं कहूँगा इसको थोड़ा सा जूम करो, देखो ये मेन ST लाइन है, ये सरकारी रोड है, ये जैन नगर और राजीव नगर का बीच का रोड है, इसकी मैं इनको बोलता हूँ कि ये सिर्फ ये पोल है, ये कितना डेंजरस है ये देखिए, मतलब इस पोल को आप देख के क्या कहेंगे कि ये ST लाइन का पोल पूरे के पूरे घरों के ऊपर से है। तो ये कहते हैं, मुझे ये जवाब देते हैं, सर ये मेरे एरिया में नहीं आता, ये वो पुलिस वालों का जवाब देते हैं कि ये एरिया तो मेरे अंडर आता ही नहीं है तो मैं क्यों करूं, वो कह देते हैं कि मेरे अंडर में नहीं आता क्योंकि ये सरकारी रोड है, तो ये किसके अंडर में आएगा इसका जवाब कौन देगा? अब ये मुझे रिटर्न में देते कि भाई ये मेरे अंडर में नहीं आता, और ये छोटा सा हादसा, ये एक कंप्लेंट होती है और आधे घंटे के अंदर ये एक आम आदमी के जाके जो लड़की जिसके घर में जवान लड़की बिल्कुल अकेली है और ये 4 बंदों को भेज के लाइट कटवा देते हैं, तो इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा तो क्लियर है,
या तो पैसे या कुछ और, और जैसी कंप्लेंट होती है फिर ये सारे गायब हो जाते हैं। रात को फिर ये फोन करके कहते हैं, जब इनसे बात होती है सच्चू साहब इनसे बात करते हैं, नहीं सर मैंने तो ना लाइट जुड़वाने के लिए भेजा है। अरे लाइट तो हमने पहले जुड़वा दी थी, दोबारा कहिए। और फिर आपने कटवाई है, आपने लीगली कटवाई है, आपके पास कंप्लेंट थी तो आपने जुड़वाने के लिए भेजा क्यों रात को 8 बजे? जुड़वाने की जरूरत थी उसकी, उसका रीजन बता दीजिए। तो जैसे रजिस्टर्ड होती है गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं लोग। अभी आप इनसे आके पूछा कि उन आदमियों को बुला दीजिए, हमें यहाँ 1 से 1.5 घंटा हो गया आए हुए, अभी तक इनके वो आदमी नहीं आए हैं जो वहाँ पे गए थे, जिनके हम आई कार्ड तो देख सके कि हाँ ये एनडीपीएल के थे या नहीं। तो आपका कहना है कि उनको ये छुपा रहे हैं? फ्रॉड हैं बिल्कुल, वो बंदे बिल्कुल फ्रॉड हैं। ये देख रहे हैं कि गरीब आदमी है, इसके ऊपर एक एलिगेशन लगाओ, ये पीछे पीछे घूमता रहेगा, कल को पैसे मिल जाएंगे, अपना खा के बैठ जाएंगे, इनका डेली का काम है ये। कि इनका कहना है कि जो वहाँ पे कनेक्शन काटने के लिए गए थे वो लोग जो मतलब कि इनको एक संदेह है कि वो लोग जो थे लीगल नहीं थे, और जैसे कि यहाँ पर बुलाया जा रहा है उनको, आप लोग यहाँ एक मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-2.5 घंटे से यहाँ पर एक एजिटेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इनसे डिमांड कर रहे हैं कि उन लोगों को बुलाया जाए, नहीं बुला रहे, उसके पीछे क्या है इनकी मंशा? मंशा तो साफ जाहिर है कि इनको संदेह है कि हम फंस रहे हैं। मंशा इनकी थी ऐसी कि किसी के कहने पे आप पोल हटा रहे हो, 10 साल से हम लगे हुए थे हटवाने, तब वो हटा नहीं है, पर अगर किसी ने हटवाया तो आप क्विक आप वहाँ पे एक्शन ले रहे हो और लाइट भी काट रहे हो किसी के कहने पे, तो मनसा आपकी साफ जाहिर है, आप किसी के कहने में ऐसा कर रहे हो, आप अपने अकॉर्ड नहीं चल रहे हो।